मैं जीव तत्व हूँ, क्योंकि मैं जान सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ और सुख दुख का अनुभव कर सकता हूँ। वास्तव में यह जो दिख रहा है, यह शरीर है। इसके अंदर एक अजर अमर तत्व, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसा जीव तत्व विराजमान है, जो कि मैं हूँ। मैं जीव तत्व हूँ और यह शरीर अजीव, जो ना तो जान सकता है, ना देख सकता है और ना ही सुख दुख का अनुभव कर सकता है। हम हमेशा से यही गलती करते आए हैं, इस शरीर को ही अपना मानते आए हैं, जिस भूल के कारण हमें आश्रव और बंध होता रहा है। आश्रव अर्थात कर्मों का आना और बंध अर्थात कर्मों का आत्मा में रुक जाना। यदि हम अपनी यह भूल सुधार लें, इस शरीर को यह मैं हूँ ऐसा मानना छोड़ दें, अजीव को अजीव ही जानें और जीव को जीव ही जानकर उस पर सच्ची श्रद्धा करें, तो इस पुरुषार्थ से कर्मों का आना स्वयं ही रुक जाएगा, जो है संवर। जब जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं होगी और आत्मा के प्रति पुरुषार्थ बढ़ेगा, तब धीरे धीरे सत्ता में पड़े हुए कर्मों का खिरना शुरू हो जाएगा, जो है निर्जरा। निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश खिरना। और जब कर्मों की पूर्ण निर्जरा हो जाएगी, सत्ता में पड़े हुए सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह थे सात तत्व, जीव अर्थात यह आत्मा, मैं आत्मा, अजीव अर्थात यह शरीर, आश्रव अर्थात कर्मों का आना, बंध अर्थात कर्मों का आत्मा में रुक जाना, संवर अर्थात नए कर्मों का आना रुक जाए, निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश खेलना, मोक्ष अर्थात कर्मों का पूर्णतः नाश हो जाना।